हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई एम चांद फ्रॉम कटिहार और आज हूं मैं पूर्णिया में। और पूर्णिया में आज आपको मैं दिखाने वाला हूं ई होम। तो वीडियो पे आप पूरे बने रहिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है। आपको मैं मिलाऊंगा यहां की जो मैम है अलीसा जी, वही इस वीडियो को एक्सप्लोर करेंगी। तो वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इनके अंदर और आपको दिखाता हूँ। और अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ यहाँ की जो सेल्स मैनेजर है अलीसा मैम है, तो मैं उनसे आपको मिलाने वाला हूँ। हेलो मैम, कैसे हैं? हेलो, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। और जब मैं पूर्णिया आता था, हमेशा आता था, तो मुझे ना ये प्लेस जो है बहुत ही सुंदर आता दिखता था मुझे। तो मैं सोचा क्या कि मैं एक बार यहाँ आऊँ और लोगों को मैं कटिहार पूर्णिया, आई मीन बहुत सारे लोग देखते हैं यूट्यूब में, तो उसको दिखाऊँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? आप कब से यहाँ पर रहते हो? आई थिंक मैं यहाँ पर 7 मंथ से सेल्स मैनेजर हूँ, यहाँ पर ज्वाइन किया। अपार्ट फ्रॉम दैट पूर्णिया में तो ऑफकोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ। तो ई होम्स इज़ समथिंग, जब आप पूर्णिया के एक्सटेंशन में आते हो और एक्सटेंशन लाइक जो गुलाब बाग को जाने का रोड है, बेलोरी को जाने का रोड है, वहाँ से आप जब शुरू होते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वेस्ट बंगाल से बसेज आ रही होती है ना, तो जो आपका ये था ना अटेंशन, ये ई होम्स ऑटोमेटिकली लोगों की आंखों को खींच लेता है। सो दैट इज़ दी पर्क ऑफ ई होम्स। एंड बाकी इसके बारे में ज़्यादा क्या है वो आप पूछते जाएंगे और मैं आपको बताते जाऊंगी। मैम है ना, आप मुझे यहाँ के बारे में सारी डिटेल्स बताएं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। क्या है इनसे, लोगों को क्या बेनिफिट है? बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ और ये मैम दिखाइए ये क्या है। मैम, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है और क्या है? एक्चुअली ये हम लोगों का क्लब हाउस है। आप जब वहाँ से चल के यहाँ पे आ रहे हैं एंट्रेंस के बाद में, तो यहाँ पे हमारा ये जो आप देख रहे हैं रेस्टोरेंट बना हुआ है, क्लब हाउस सेक्शन है और जिम है। बेसिकली किसी भी सोसाइटी को, जो भी टाउनशिप होता है, उसका मतलब होता है कि आपको क्या क्या अमेनिटीज़ प्रोवाइड करती है वो पर्टिकुलर सोसाइटी। तो जैसे आप बनौरमा ई होम्स में हैं, तो चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो क्लब हाउस हो, चाहे जिम हो, चाहे स्विमिंग पूल हो। स्विमिंग पूल की भी अगर मैं आपको पनोरमा ई होम्स की खासियत बताऊं, तो मेल, फीमेल और बच्चे तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग तरीके का स्विमिंग पूल है हमारे पास। मेल है तो उनके पास पूरा सी वेव्स वाला वाटर पार्क टाइप का अच्छा सा बड़ा सा स्विमिंग पूल है। फीमेल के लिए पूरा गजीबो टाइप का एक पूरा होता है ना, एक कवर देकर, कैनोपी टाइप का लुक आप समझ लो, उसको कवर करके एक प्राइवेट पूल टाइप का दिया जा रहा है। जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए कम डेप्थ वाला पूल दिया जा रहा है, कि एक जो डूबने का डर होता है पानी का, ड्रेन ड्राउनिंग का जो रिस्क होता है, वो सब अलग होता है। जो लाइट वगैरह है, हाँ जी, ये सबसे मुझे बेस्ट लगा। पैनोरमा में आपको ग्रीन पैच, जो किसी भी सोसाइटी का, जैसे मैंने आपको बताया ना सारी अमेनिटीज, उसका ग्रीन पैच बहुत मैटर करता है। और आई थिंक ई होम्स, मुझे नहीं लगता कि बिहार में इतना ज़्यादा ग्रीन पैच पर किसी ने काम किया होगा। हमारे जो सर है संजीव मिश्रा सर, जो हमारे बेसिकली जो हमारे फाउंडर है पैनोरमा ग्रुप के, वो पर्सनली फ़ैन है ग्रीन्स के, उनको हर तरफ ग्रीन चाहिए। ही इज़ अ फैन ऑफ वाइट एंड ग्रीन। उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन में उन्होंने सिर्फ ग्रीन्स पे, आई के नॉट से इन वर्ड्स कि कितना ही खर्च किया होगा। एंड ईच एंड एवरी कॉर्नर हैज़ अ स्टेटमेंट, हर जगह आपको प्लांट्स, ब्यूटिफिकेशन एंड लाइट्स दिखेगी। पैनोरमा ई होम्स में आपको हमेशा लगेगा कि दुल्हन है, कोई शादी हो रही है, हमेशा आपको वैसा वाला माहौल लगेगा। लीजिए। और चलिए मैं आपको चलते चलते दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ में और देख रहा हूँ, जिम वगैरह है कि यहाँ पे? यस, यही मैं आपको दिखा रही थी अभी। जी जी। जब हम लोग अंदर आते हैं तो सोसाइटी का ये जिम है, एक बार आप अंदर आकर के भी देखिए मेरे साथ में। खुला है या बंद है? ये खुला है, आप इसको पुश कीजिए। ये हमारा जिम है और जिम में भी सारी अमेनिटीज़ अवेलेबल है। अभी धीरे धीरे ये स्टेबल होता जा रहा है, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू हो रहे हैं। जैसे कल 28th ऑफ मई है, जो यहाँ रह रहे हैं सिर्फ उनके लिए, सिर्फ उनके लिए, नो एक्सटर्नल्स अलाउड। रेस्टोरेंट ये तो है, ये तो है डेफिनेटली उनके लिए अपना जिम का सुविधा है। ऊपर आप देखिए, और इवन हमारे जो जिम्स भी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ बनाए हुए हैं। आपको जिम में भी खूबसूरती का कोई कोना छोटा हुआ नहीं मिलेगा। ऑल वाइट, ऑल क्लासी, ऑल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली प्रिपेयर्ड एंड डिज़ाइन। एक सेकेंड, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट एरिया है। ये भी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए बना हुआ है। आइए, दिस इज़ द रेस्टोरेंट एरिया। एंड अगेन लाइक आई टोल्ड यू, ग्रीन पे हमने बहुत फोकस करा है। सो आउटसाइड व्यू, इनसाइड व्यू, इन एंड आउट पैनोरमा इज़ जस्ट अमेजिंग। ये हमारे सिटिंग एरियाज हैं।
जो भी यहाँ लोग रह रहे हैं। हाँ, क्वालिटी तो पैनोरमा मींस क्वालिटी। जैसे आप देख रहे हैं, ये पैनोरमा सिर्फ नाम का नहीं है, ये बहुत काम कर रही है। बहुत काम कर। और क्या क्या चीजें हैं अभी? और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, वो भी आपको दिखाने वाला हूं। तो चलते हैं। जो भी लोग घर लेने का अभी सोच रहे हैं ना, प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपकी ऑडियंस ज़्यादा कटिहार की है, अगर बिहार की ऑडियंस है जो भी देख रही है, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि बिहार में जैसे दरभंगा में एयरपोर्ट आया है, उसके बाद में यहाँ पे पूर्णिया में अब एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसके चलते पूर्णिया का एक जो बिहार में एक स्टेटस है वो और ऑन द टॉप जा रहा है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कोप है आपके पास में बिहार में, क्योंकि दिस इज़ अ लग्जरियस सोसाइटी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप ई होम्स में हैं तो आप जानना चाहोगे इसको ई होम्स क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं ई होम्स? इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स अ स्मार्ट होम। आपको मैं अभी अंदर चलूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे समझ में नहीं आया, आपसे जी 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 पैनोरमा, तो मैं यहाँ पे ई होम है और पैनोरमा, ये दोनों में मतलब दो नाम क्यों है, ऐसा क्यों है? मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप पैनोरमा के बारे में पूछ रहे थे, बेसिकली पैनोरमा जो ये कंपनी है, सीमांचल इंफ्राटेक की एक कंपनी है। पैनोरमा एक्चुअली एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि डुप्लेक्स, विलाज, अपार्टमेंट्स, सोसाइटीज़ एंड रेसिडेंशियल्स एंड कमर्शियल यूनिट्स बना करके उसको सेल आउट करती है। तो जैसे हर एक, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल किसी भी आप अगर बिल्डर की बात करें तो वो एक जगह ही हमेशा बिल्ड नहीं करता है। तो बिल्डर की अगर आप बात करें तो सीमांचल इंफ्राटेक जो बॉस की संजीव मिश्रा सर की कंपनी है वो है, और उन्हीं का ये चेन है पैनोरमा, जिसमें कि पैनोरमा सिटी है जो कि आप इधर 0 माइल का जो रोड जा रहा होता है इधर यहाँ से हमारे बाईपास रोड से बेलोरी ब्रिज के जस्ट ऊपर में, वो हमारा पैनोरमा सिटी है। पैनोरमा हाइट है हमारा बेलोरी के पास अच्छा में। मुझे यहाँ पे ये लगा मैम कि इस तरह की जो प्लेस है ऐसा ना बड़े बड़े सिटी में होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, लेकिन यहाँ पे कटिहार हमारे पूर्णिया में है जो कि कटिहार के नजदीक। बिहार में तो ये डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करता है। बिहार झारखंड में इस टाइप का प्रोजेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसीलिए ये ई होम्स है क्योंकि ये स्मार्ट होम्स है। अगर मैं आपको बताऊँ ई होम्स ये क्यों है, ये एक स्मार्ट होम सोसाइटी है। यहाँ पे आप घर के अंदर जब जाइएगा ना तो ऑटोमेशन का सारा काम हुआ हुआ है। आपके जो गेट हैं, आपके नंबर प्लेट पे एक सेंसर लगा होगा, सेंसर में बारकोड स्कैन होकर ऑटोमेटिकली आपके घर की गेट खुल जाएगी। आप घर के अंदर जा रहे हैं तो आपका जो घर का गेट है वो पासकोड से, फिंगरप्रिंट से, मास्टर की से, और ये तीनों भी काम ना करें तो चाबी से खुलता है। अगेन स्मार्ट होम। अंदर जाएंगे एलेक्सा बिल्ट इन का काम होगा अंदर में वाईफाई सेटिंग से। आप बोलेंगे एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स ऑफ हो जाएगी, टर्न ऑन द लाइट्स, लाइट्स ऑन हो जाएगी। उसके लिए आपको सब जगह स्मार्ट डॉकेट्स लगे हुए हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल मतलब नॉर्मल सोसाइटी, दिस इज ई होम बिकॉज एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक हियर, नंबर वन। एंड नंबर टू, यहाँ पे आप जितने भी घर देख रहे हो ना, पैनोरमा की जो खास बात है ई होम्स की, हम जमीन के साथ आपको ये पूरा विला बना करके रजिस्ट्री करके देते हैं। यहाँ कोई नाइन मतलब जमीन के साथ, ये आपको जमीन के साथ हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। यहाँ कोई 99 साल का लीज का चक्कर नहीं, 99 कुछ भी नहीं, आपका रजिस्ट्री होगा प्रॉपर आपके जमीन का। और यहाँ पे जितने भी आप घर देख रहे हैं ना, ये जितने विलाज आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सब फेज 1 फेज 2 सोल्ड आउट है, और सारे ही अच्छे एलीट एक जो होते हैं ना, एक सोसाइटी के पढ़े लिखे अच्छे वर्ग के लोग, चाहे बैंकर्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, गवर्नमेंट बॉडीज हो, एवरीबडी ओन्स एटलीस्ट 1 हाउस, 1 विला इन ई होम्स। एंड ये जितने घर आप देख रहे हो ना, इट्स लाइक अ सोसाइटी, कॉम्पैक्ट सोसाइटी फुल ऑफ विलाज, फुल ऑफ गुड पीपल एंड लग्जरियस अमेनिटीज, व्हाट नॉट, वो आप अभी वीडियो में देखोगे। मैम आपने बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, बट ये सामने जो मुझे एक विला दिख रहा है, ये किन का है? बहुत ही सुंदर लग रहा है ये एक्चुअली हमारे जो बॉस है सर संजीव मिश्रा, ये उनका 8 BHK विला है। अच्छा, इसकी बात आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो होगा, बिकॉज ये कुछ बना है। आप अंदर जाओगे तो यू विल जस्ट फील लाइक कि कोई रजवाड़ा हाउस है। कोशिश करेंगे हम अगर पॉसिबल, क्योंकि अब यहाँ लोग रहने लग गए हैं तो वी विल सी। हाँ, इसमें बहुत सारे विला जो अवेलेबल हैं सेल के लिए, 5 BHK विला, 3 BHK विला, वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे पास में एक डेमो फ्लैट अवेलेबल है, हम एक डेमो के लिए बना करके रखे हुए हैं कि आपकी कैसी लाइफस्टाइल होगी पैनोरमा ई होम्स में। आप अगर कॉर्नर देखिएगा, आप अगर वहाँ पे पॉइंट आउट कीजिए, बहुत सुंदर। आप अगर सिक्किम गैंगटॉक वगैरह गए हैं ना, तो वहाँ पे आपने इस टाइप का कॉन्सेप्ट देखा होगा लाइट्स का, कुछ उसी टाइप का वाइब है यहाँ पे शाम में। एंड इवनिंग टाइम में अगर आप यहाँ रह रहे हो जस्ट इन केस,
तो जब मुझे चलता हुआ आप यहाँ देख रहे हो तो यू कैन जस्ट फील द वाइब ऑफ द प्लेस. सो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, देर इज अ लॉट ऑफ वाइब इन द सिटी. वो मैं आपको अभी हमारे 5 BHK का जो विला बना हुआ है वो दिखाती हूँ. एंड जस्ट लेट्स जस्ट गो एंड सी. बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, विल जस्ट गो इन साइड एंड शो यू कि वॉट वी हैव टू ऑफर यू. और यहाँ पे ना काफ़ी सारे विला हैं जो कि अलीसा जी दिखाने वाली है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. आइए कम. अगर आप अपने पीछे में देखिएगा, जस्ट अपने पीछे में दिस इज़ हमारा 3 BHK का विला जिसमें अब गृह प्रवेश का पूजा का काम चल रहा है. जिन्होंने लिया है वो इसमें आने वाले हैं. ये हमारा 3 BHK विला है 11 नंबर. और अभी मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो हम लोगों का 5 BHK विला है ई होम्स का. इसमें आपको हमारे पास में क्या अमेनिटीज़ हैं, क्या डिज़ाइंस हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं वो आपको पता चलेंगी. सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखोगे ना सामने में ये जो गेट है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे सारे बटन्स लगे हुए हैं. जैसे कि आपको आपका गेट क्लोज करना है तो आप ये बटन दबाओगे, देखो ऑटोमेटिकली आपका ये गेट क्लोज हो जाएगा. ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है. और इसी की जगह अगर आपके गेट का आप सेंसर का काम करोगे ना, ऑटोमेशन का जो काम है, आपका जो घर का गेट है इसको स्टॉप बटन दबा दिया, गेट स्टॉप हो गया. ठीक है, ऑटोमेशन का काम है. आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट में सेंसर लगा हुआ है, राइट. सेंसर के थ्रू जैसे ही आपकी गाड़ी यहाँ पे आती है, जस्ट हैविंग लुक एट द सेंसर एट द नंबर प्लेट, गेट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, राइट. एंड यू कैन जस्ट वॉक इनसाइड योर ओन हाउस. दैट्स द क्वालिटी ऑफ पैनोरमा. एंड जहाँ हम लोग खड़े हैं ये हमारा पैनोरमा ई होम्स है. और यहाँ पे डोरबेल का जो सिस्टम है, वीडियो कॉलिंग से आप बाहर मतलब देख सकते हो कौन आया है, उससे बात कर सकते हो. और अंदर सामने जो है कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें कैमरा लगा हुआ, वीडियो कॉलिंग, इसमें बात भी हो सकती है कौन आपके घर में आया है. सपोज कोविड का जो टाइम था, वैसे टाइम पे इन चीज़ों की, इन फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. यू डिड नॉट वॉन्ट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो इतना बड़ा स्पेस है, कहीं पर भी आपका सामान रख के वीडियो कॉलिंग में बात करके आपका जो डिलीवरी बॉय है वो जा सकता है. वन एंड नंबर टू, वेन इट कम्स टू द डोर्स, प्लीज़ एक क्लोजअप आप शॉट लीजिएगा. यहाँ पे डिफरेंट तरीके का सेटिंग है गेट्स का. इससे अब आप पहचानना शुरू करिए वहाँ से और यहाँ से कि ई होम्स है. यहाँ पे फिंगरप्रिंट से आप अपने घर का गेट खोल सकते हैं. यहाँ पे पासकोड का सिस्टम है, आप पासकोड से अपना गेट खोल सकते हैं. मास्टर कार्ड का सिस्टम है. और जब ये तीनों सिस्टम फेल है मान के चलो, तो आप चाबी से, नॉर्मल चाबी से अपने घर का गेट खोल के अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं. हम लोग यहाँ पे अपना पासकोड इंटर करते हैं जो मैंने अभी कर दिया है ऑलरेडी, और ये गेट अब जाता है खुल. यहाँ पे रेड सेंसर ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है. इसी में ही आप सारा जो भी आपका डोरवेल का जो भी बात होता है वो होता है. फर्स्ट एंड सेकेंडली यहाँ पे जितने भी आप ये स्विचेस देख रहे हो सब इसी से ऑन होते हैं, इसी से सब कुछ ऑन होता है. एंड धीरे धीरे आप जैसे जैसे अंदर चलते जाओगे, जैसे आप पीछे जा रहे हो तो इतना लाइट्स ऑन हो जाएंगी. जहाँ जहाँ आप जैसे जैसे वॉक करोगे लाइट ऑटोमेटिकली ऑन होती जाएगी. जैसे कि यहाँ पे वॉशरूम में आई विल शो यू, अब जैसे ही अंदर आए लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई. एंड जैसे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा होता है ना, हाँ, अंदर ऑटोमेटिक सब जगह ऑटोमेटिक है, पूरे घर में ऑटोमेटिक है. ये 5 सेकंड से 10 सेकंड के बाद ऑफ होगी. ओ, 10 सेकंड के बाद ऑफ होगी. हाँ, पिन करने का तो चल जाएगी. हाँ, सेंसर है ना, वो 10 सेकंड से 15 सेकंड में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा. ये सेंसर है, ये थोड़ी देर में आप. तो ये जो आप नीचे देख रहे हो ये हमारा 5 BHK विला का सिटिंग एरिया है. एक बार बाहर का व्यू ले लो, दिस इज द व्यू. एंड इसके साथ में आता है ये हमारा फर्स्ट गेस्ट रूम. फर्स्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर का एक रूम है जो गेस्ट रूम में बना लो, या घर में कोई ओल्ड एज पर्सन है जिनकी नी में प्रॉब्लम होती है, नई सीढ़ी चढ़ के जा सकते हैं, उनके लिए ये बेस्ट रूम है. फर्स्ट रूम में जो नीचे का, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो. हाँ जी, यहाँ पे भी देखिए लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो गई, सब ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है. एंड स्मार्ट होम की बात करें तो ये भी स्मार्ट है.
इफ़ यू सी, ये मेरे फिंगरप्रिंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है तो ये खुलेगा नहीं, अगर ये रिकॉग्नाइज़ करता तो ये खुल जाता। तो ये भी गोदरेज का लॉक, सारे कुछ ऑटोमेटिक है ना, सब कुछ ऑटोमेटिक है ना। मैं अगर आपको स्विचेस सारी चीज़ों की बात करूँ, देखिए लाइट ऑफ हो गया ना फिर से। अगर मैं टाइल्स की बात करूँ तो हम लोग कजारिया का टाइल्स यूज़ कर रहे हैं, कजारिया का यूज़, यस। एंड जो टैप्स हैं वो जगुआर का यूज़ हो रहा है, जगुआर इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड इन द टर्म इन द फील्ड ऑफ टैप्स एंड सैनिटरी एंड फिटिंग। तो जगुआर की हम लोग टैप्स यूज़ कर रहे हैं एंड कजारिया की हम लोग टाइल्स यूज़ कर रहे हैं। गोदरेज का हम सेफ्टी लॉक दे रहे हैं। और नीचे में आप जो देख रहे हो लगा हुआ, ये सारा इटालियन मार्बल है, नीचे में सारा मार्बल का काम। हाँ, ये इटालियन मार्बल है। अगेन आप देखिए वहाँ की वॉशरूम की लाइट ऑफ हो गई ऑटोमेटिकली। ये लाइट है ना अभी अंधेरा है, जैसे ही मैम इन करेगी लाइट ऑटोमेटिकली सेंसर्स, दैट्स व्हाई दिस इज ई होम्स। लीजिए अब मैं आपको किचन दिखाती हूँ। अगर कोई ये वीडियो देख के आपका घर लेने का मन बन रहा है तो मैं आपको ये बताऊँ, अगर यहाँ पे आपको घर लेने का मन बन रहा है तो हमारे पास दो तरीके का फ्लैट्स मतलब सेलिंग का ऑप्शन होता है। एक होता है सेमी फर्निश्ड, एक होता है फर्निश्ड। और जब भी आप घर लेने जाते हो ना रियल इस्टेट की दुनिया में, जब घर आप लेते हो तो एक होता है फुली फर्निश्ड, एक होता है सेमी फर्निश्ड और एक होता है फर्निश्ड, सॉरी फुली फर्निश्ड, फर्निश्ड एंड सेमी फर्निश्ड। सेमी फर्निश्ड में क्या है, आपको ये जो दरवाज़ा खिड़की जो एक वॉल पुट्टी का काम होता है वो बेसिक आपको बेसिन स्टैप्स हर एक चीज़ लगा करके दिया जाता है। एंड ये क्योंकि विला का कटआउट है तो इसीलिए यहाँ पे आपको झूमर मिलेगा और ये एरिया कट मिलेगा। किसी भी विला में जो होता है ना, जो फर्स्ट सेक्शन होता है ना, जो आपका डाइनिंग, जो आपका गेस्ट, ये जो सोफ़ा सेक्शन होता है, लिविंग सेक्शन होता है, उसका एक लेआउट कट रहता है, इसीलिए ये कट है ताकि झालर लटके। हाँ जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का किचन। ये हमारा यहाँ पे ओपन किचन कम डाइनिंग हॉल है जिसमें आपको ये सारा मॉड्यूलर वर्क करके मिलता है। और अगर आप फुल यहाँ पे सेम यहाँ पे फर्निश्ड घर लेते हैं तो फर्निश्ड के साथ आपको ये सारा काम करके मिलेगा, इंक्लूडिंग दिस चिमनी, ये आपको काम किया हुआ मिलेगा जैसा आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वैसा। तीन तरीके का हमारे पास में ऑप्शन है, आप तीन तरीके का टाइल वर्क्स और वो सब करा सकते हैं। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर में ये हमारा 15 BHK विला है। आपने एक रूम देखा, अब हम आपको ऊपर लेके जाएंगे, आपको दो मास्टर बेडरूम दिखाएंगे ऊपर में। मास्टर बेडरूम भी आप हमारे देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ कुछ है। देखिए ऑटोमेटिकली सीढ़ी की लाइट्स ऑन होती जा रही है, जहाँ जहाँ आप जाएंगे लाइट्स ऑन होती चली जाएंगी ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप अगर आते हैं तो यहाँ पे एक ऊपर में होता है ना वो ठंड और बारिश के टाइम में पकोड़े और चाय, वो जोन है, बहुत खूबसूरत व्यू है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना बालकनी का, ये जा करके सीधा वहाँ लिफ्ट एरिया में बंद होता है, वहाँ पे हमारा लिफ्ट है। हाँ, ये खुल, ये लॉक होगा यहाँ से, हम बाहर से दिखा सकते हैं। हाँ, इसका वहाँ पे लिफ्ट लगने का हम लोग ऑप्शन भी दिए हुए हैं। इस घर के अंदर लिफ्ट का भी कटआउट है, आप इस विला में अपना लिफ्ट भी लगा सकते हैं। जैसे भी आप देख रहे हैं पूरा बंद है तो बाहर की आवाज़ नहीं आ रही, जैसे जैसे ही आप बाहर आएंगे देखिए बाहर की आवाज़ आने लग गई, तो आप इसी से समझ जाओगे कि किस क्वालिटी का हमने वॉल ग्लास दिया हुआ है कि बाहर का। अभी जब आप अंदर थे तो आपको कोई आवाज़ नहीं आई होगी बाहर की, जैसे ही आप बाहर आए तो आवाज़ आ गई। बैठने के लिए बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है, अब यहाँ पे भी अपने फैमिली के साथ बैठ सकते हैं थोड़ी सी बारिश में ठंड में, और एक वो भी है। Just have a look. अच्छा मैम, अलीशा मैम, ये बताओ आप कि ये तो मैंने देखा बहुत ही अच्छा है, लेकिन लोग इसको किस तरह से खरीदेंगे, क्या क्या मतलब इसके तरीके हैं, किस तरह लेंगे वो बताएं आप मुझे। अब जब आप इतना कुछ देख ही रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगर इनमें से कोई भी आपकी जो ऑडियंस है उनको अगर क्यूरियोसिटी है कि
क्या होगा यहाँ पे, कैसे हम लोग बुकिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँ बुकिंग का सिस्टम बहुत ईजी है। आप यहाँ पे आते हैं, घर देखते हैं, विला अपना, आपको जो प्राइस होता है, प्राइस फाइनल एक डिस्कशन होता है, उसके बाद में आपका मिनिमम 10% से हमारे पास में बुकिंग हो जाती है, ठीक है। या फिर आप आए हैं और आज आपको घर पसंद आ गया, आपको अपना एक यूनिट का बुकिंग करना है, तो फर्स्ट डे चलिए आप आए और आपको एकदम पसंद आ गया और बाहर से आप आ रहे हैं, तो कुछ अमाउंट दे करके आपने बुकिंग कर ली, उसके बाद में आपका जो एग्रीमेंट होता है और आपका जो यूनिट होल्ड होता है ना, वो 20% डाउन पेमेंट के बाद में होता है, ठीक है। 20% डाउन पेमेंट करते हैं और पेमेंट वगैरह का मैं आपको सब जो तरीका है वो आपको बताऊंगी डिटेल्स में। हाँ, आपसे कि यहाँ पे किसी ने घर खरीद लिया, पूरा घर खरीद लिया, टोटल फीस मतलब जो भी उसके अमाउंट होते हैं वो आपको रजिस्ट्री वगैरह सब हो गया, तो क्या उसके बाद भी कुछ चार्ज वगैरह कुछ है कि यहाँ पे? हाँ, मैं उस पर जाऊँगी अभी, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको पेमेंट का यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारा जो यहाँ का जो प्राइसिंग है, हमारे पास में यहाँ पे 4 सेट्स ऑफ घर अवेलेबल है, जिसमें सबसे नीचे से जो शुरू होता है वो है हमारा 3 BHK 3+1 BHK डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स यानी कि दो घर के बीच का एक दीवार कॉमन होता है, 5 इंच का वॉल आपका होता है, 5 इंच का वॉल आपके बगल वाले लोगों का होता है, वो हमारा सबसे लो बजट से शुरू होता है यहाँ पे। और हमारा जो सेमी फर्निश्ड का रेट है वो भी 4525 रुपये चल रहा है यहाँ पे। और डुप्लेक्स हैं जहाँ पे हमारे जो 2 BHK जो 3+1 BHK का डुप्लेक्स है, वही मैं बता रही, जो 3+1 BHK डुप्लेक्स है और 4 BHK डुप्लेक्स है, उनका फर्निश्ड का प्राइस 4850 रुपीज़ है, ठीक है, 4850 रुपये हैं। और जो आप जहाँ पे बैठे हो, ये जो विला में 5 BHK विला और ये जो सामने में आप देख रहे हो 3 BHK विला, इसका फर्निश्ड का रेट है, जो आपका फर्निश्ड हम लोग दे रहे हैं वो है आपका 4950 रुपीज़, 4950 रुपये आपका उसका पर स्क्वायर फुट है, और 4850 रुपये आपका डुप्लेक्स का फर्निश्ड का है, और 4550 रुपये जो है हमारा वो सेमी फर्निश्ड का रेट है। तो अब आप जो पूछ रहे थे बाकी के चार्जेस, तो बेसिकली आप जब एक सोसाइटी में रहते हो तो उसमें एक मेंटेनेंस कॉस्ट होता है जो कि लगता है। मेंटेनेंस इज लाइक आपका अमेनिटीज़ जो है, जैसे आपका स्विमिंग पूल है उसकी क्लीनिंग, आपका गार्डनर की ये जो इतने प्लांट्स लगे हुए हैं, आपका ये पूरा रोडवेज का क्लीनिंग जो आपका लिटर लेने के लिए आएगा, आपका गार्ड है, आपके पास 24/7 बैकअप का सिस्टम है, सीसीटीवीज़ हैं, सर्वेलेंस है, तो वो अमेनिटीज़ की एक चार्जेस होती हैं, वो अभी आपको नहीं देनी है क्योंकि अभी हमारा पूरा ये जो सोसाइटी है डेवलपमेंट में है, जब कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो जाएगा तब लगेगा, और वो बहुत एक मिनिमल प्राइस है। वो किसी भी आप अच्छे सोसाइटी में जो लेते हो, जिस तरीके का जो रेट होता है वो उसी टाइप का ही रेट होगा, इट्स नॉट वेरी हाई एंड, इट विल बी मिनिमम जो आपके अपने एक आपके अपने घर में भी आप अपने मेंटेनेंस के लिए खर्च कर देते हो, वो बेसिक मेंटेनेंस कॉस्ट है। जैसा कि मैम आपको बता रही है, सारी कुछ बताया भी मुझे, तो आप इस वीडियो को देखिए, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लोगों को शेयर भी करिए, लेकिन अगर आपको लेना है या नहीं लेना है वो अलग बात है, लेकिन आप एक बार देखने आइए, हो सकता है कि आपको यहाँ आने के बाद आपको मन हो जाए कि मैं ले लूँ। क्या मैम प्लानिंग कर रहे हैं, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बिहार में हमारे कल्चर में अभी हमारे सोसाइटी में जो हो रहा है धीरे धीरे, अब क्या है ना कि लोग घर बनाते थे, जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, तो कहीं भी एक पर्टिकुलर एरिया में रहना सेफ होता था। ये जो विला का कॉन्सेप्ट है ना, अभी वर्किंग पेरेंट्स हैं जो यंग हैं, जो अडल्टहुड में हैं, 30+ हैं, जो अब फैमिली उनकी बस चुकी है, बच्चे हैं, और दोनों मदर एंड फादर वर्किंग है और घर में अवेलेबल नहीं है, और उनको अपने ज़मीन सहित अपना एक खूबसूरत घर चाहिए, उनका एक अच्छा बजट है, तो वैसे लोग ऐसी सोसाइटी में सोच सकते रहने का, जब माँ और बाप घर में अवेलेबल नहीं है, माता पिता, तो आप अपने घर में एक नॉर्मल घर में अपने बच्चे को आप जो छोड़ के जाते हो उसका सेफ्टी और एक सोसाइटी की सेफ्टी अलग होती है। आप अपने घर में अगर माँ और माता और पिता दोनों अवेलेबल नहीं है घर में, किसी भी एक फैमिली में, एक न्यूक्लियर फैमिली में, और बच्चा शाम में खेलना चाह रहा है, तो यहाँ एक सोसाइटी में बच्चे को एक सेफ जोन का पार्क मिलता है, जहाँ पे अपने ही एक आपका ये एक छोटा सा अपना एक एरिया है, एक सोसाइटी आपकी कॉलोनी है, आपकी ही कॉलोनी के आपके जान पहचान के लोगों के साथ बच्चा अपने मोहल्ले में अपने घर के अंदर खेलेगा, गेट से नहीं जा सकता क्योंकि गार्ड है गेट पे, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले तो वहीं पर हो जाती है, नंबर 1 सेफ्टी की, यहाँ पे कोई भी दिक्कत सेफ्टी, दूसरा बच्चे को खेलना है तो पार्क है, स्विमिंग क्लासेस आप करा रहे हैं तो स्विमिंग पूल है, आप खुद ऑफिस से आकर के अगर जिम करना चाहते हो, जब अपने घर में नहीं कर सकते जाके, आप अपने यहाँ से वॉक करके जाइए, अपना जिम कर लीजिए, अपने सोसाइटी में जिम है, ये वॉक कर सकते हैं। और वो सब के अलावा रात को अगर खाना खाने का मन है, आंधी तूफान आ गया, जोमेटो स्विगी से खाना उस समय नहीं आएगा, लेकिन आपके यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट है, अपना रेस्टोरेंट बना हुआ है, आप अपने रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं,
और पूजा पाठ करना है, घर से दूर मंदिर जाना पड़ता है, तो सोसाइटी में अपना टेम्पल है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे बिहार में इस्कॉन टेम्पल्स बहुत ज़्यादा नहीं, एक अभी बना है और दूसरा हमारे पैनोरमा ई होम्स में बन रहा है। ये अभी मैं आपको मंदिर का भी एरिया दिखा दूंगी, इस्कॉन टेम्पल की ही बात चल रही है, हमारा इस्कॉन टेम्पल ही बनेगा, बट क्लैरिटी और इसकी डिटेल्स वो हम आपको और ले करके बताएंगे धीरे धीरे। तो वही बात है जो आपने कहा ना मैम, सर आप यहाँ पे क्यों लोग रहना चाहेंगे, तो और मैंने ये तो एक सेक्शन बताया जो यंग लोग हैं, जो एडल्ट हैं, उनके अलावा जो वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा चुके हैं, डॉक्टर्स हैं या जो भी लोग हैं, बहुत बड़े बंगलों में या बहुत बड़े अच्छे एक विला में रहना चाहते हैं, तो ये 5 BHK का बंगलो है हमारे पास, और अगर मेंटेनेंस का उनके पास में नहीं है, उम्र हो रही है, बच्चे बाहर रहने लग गए हैं पढ़ लिख करके, जॉब कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए ये सोसाइटी एक सेफ़ जोन है, क्योंकि एक विला है, एक अपना सुंदर सा आप हर साइज़ में आपके पास में घर अवेलेबल है, आप अपना घर ज़मीन सहित बना के रहिए, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, एक माहौल मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी अपने घर में मम्मी पापा को देखते ना, से मैं ही यहाँ जॉब में आती हूँ, बोर हो जाते हैं, तो ये जो शाम का टाइम है ना, आप अपने दरवाजे से निकल के बाहर 4 लोग के साथ बैठ सकते हैं, ये सारी सुविधाएँ तो होती हैं सोसाइटी में, और जब ऐसी सोसाइटी हो तो क्यों नहीं कोई बसना चाहेगा। सबसे खुशी की बात ये है कि ये हमारे बिहार में पूर्णिया में है, पूर्णिया में है, और पूर्णिया हमारी बिहार के टॉप 4 डेवलप्ड सिटीज में आ गई, कहाँ 10वें नंबर पे था अभी से 3 साल पहले तक, एंड इस शहर को 4th नंबर पे लाने वाले ऐसे ही लोग हैं जैसे संजीव मिश्रा सर हैं, जो ऐसे बिल्डर हैं। संजीव मिश्रा सर ने पैनोरमा से 7 साल पहले उन्होंने यहाँ पे बनाया, और 7 साल में पूर्णिया को क्या नहीं दिया, आप सोचिए, इस पैनोरमा ई होम्स के चलते अभी इस बिल्डिंग के अंदर कम से कम 500 लेबर्स काम कर रहे हैं, 500 लोगों को तो रोजगार दे रहा है ना पैनोरमा, 500 लोग मेरे मैं ही हूँ, एक रोजगार भी मिल गया और लोगों को जिसको घर चाहिए वो घर मिल गया, और इस अगल बगल में जितने भी रहने वाले लोग थे उनकी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा। आपका एयरपोर्ट बगल में है, आप 6 लेन रोड के बगल में हो, बेलौरी एयरपोर्ट भी चालू होने वाला है, और आप जहाँ पे हो हाईवे से कनेक्टेड रोड है जो कि आपकी 7 सिस्टर से जोड़ता है, 7 सिस्टर्स जानते हो आप कश्मीर कन्याकुमारी, ठीक है, आप उससे कनेक्टेड हाईवे पे रह रहे हो, और आने वाले टाइम में पूर्णिया मुझे नहीं लगता कि मुड़ के देखेगा, वो दिन भी आई डोंट थिंक दूर रहेगा जब पूर्णिया पटना को भी शायद पीछे छोड़ जाएगा, क्योंकि पटना में कंजेशन है बहुत, पूर्णिया में स्पेस है, अभी भी स्पेस है, हरियाली है, हरियाली है, पानी है, स्पेस है, और बहुत जल्दी डेवलप कर रहा है, हम लोग यहाँ हाईवे वगैरह बहुत ही बहुत कुछ सब कुछ तो यहाँ है, यहाँ पे ई होम्स आ गया, यहाँ पे डोमिनोज है, यहाँ पे KFC है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, पूर्णिया का जो है ना 4 चांद लगा दिया, 4 चांद लगा दिया, मतलब ये तरक्की के रास्ते में था, और ई होम्स वो कहते हैं ना वो चेरी ऑन द आइसिंग, यानी कि आपका मतलब होता है ना गुड़, मतलब घी, वो कहते हैं घी में शक्कर या कुछ एक टर्म होता है, बस आप समझ लीजिए सोने पे सुहागा है, सोना पूर्णिया बन रहा था, सर ने इसको सुहागा बना दिया पैनोरमा ने। यस, तो चलिए मैं आपको यहाँ का मास्टर बेडरूम वगैरह भी दिखाती हूँ। अब आप जैसे बाहर का माहौल देख रहे हैं विदाउट माइक, अभी आपको एक क्लैरिटी पता चलेगी यहाँ पे, बाहर का जो साउंड है ना आपका कैमरा में ले रहा होगा अभी, राइट। अंदर आइए, हम लोग अंदर आए, डोर बंद कीजिए, देखिए बाहर का सारा नॉइज ब्लॉक हो गया, मैं बस यही दिखाना चाह रही थी कैमरा माइक के बिना। तो अब आप हमारे फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और फर्स्ट फ्लोर में जो बालकनी में हम लोग अभी बैठ करके बातें कर रहे थे, इसके साथ में आता है किड्स रूम, ये हमारा किड्स रूम है, इसका वॉलपेपर वर्क आप देख लीजिए, ये किड्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, एंड इसके साथ में अटैच्ड बालकनी नहीं है, इधर आइएगा, यहाँ पे आप देखिएगा ये इसका वॉशरूम है, एक बार वॉशरूम के साइजेस देखिएगा, कि लाइट ऑन हो गया, अब एक बार वाइड एंगल में आप कैमरा कर लीजिए पूरा, अब आप एक बार इसके वॉशरूम का पूरा साइज देखिएगा, जस्ट लुक एट द स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस है, देखिए लाइट ऑफ हो गई वहाँ की, ड्रेनेज का भी बहुत अच्छे से सिस्टम दिया, देख सकते हैं हर जगह, यही तो क्वालिटी है ना पैनोरमा की, आप टाइल्स और मार्बल्स का वर्क देखिए, बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से बाहर चले, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम सिर्फ नाम का नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ क्यों वो मास्टर बेडरूम है। जैसे कि हम यहाँ आते हैं फर्स्ट फ्लोर के 2nd कमरे में जो सीढ़ी के जस्ट बाद है, इसके अंदर अगर आप आते हैं, ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम क्यों, वो भी आपको पता चल जाएगा,
मास्टर बेडरूम को मास्टर बेडरूम क्यों कहते हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ अंदर आए तो आप यहाँ देखिएगा, ये आपका वॉशरूम डायरेक्टली नहीं शुरू होता है। अब इधर एक बार कैमरा दिखाइए, यहाँ घुमाइए कैमरा, ये देखिए। आप जब मास्टर बेडरूम के वॉशरूम सेक्शन में आते हैं तो पहले आपको पूरा सेंसर्स लॉक्स के साथ में इतना बड़ा एक स्टोरेज एरिया मिलता है जिसमें अपना वार्डरोब बनाना चाहिए। सारे फिंगरप्रिंट है ना, सारे फिंगरप्रिंट, मास्टर का, मास्टर की पासपोर्ट सब कुछ है। मास्टर की नहीं, फिंगरप्रिंट एंड पासपोर्ट का लॉक है इसमें। अच्छा, सब में ठीक है। ये सारे मास्टर वार्डरोब्स हैं और एक कॉमन वाला भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये बना हुआ है, ये इसको वॉकिंग वार्डरोब एरिया कहते हैं, ठीक है। वॉकिंग वार्डरोब है, आप अपने वॉशरूम से निकल के आते हैं, जैसे आप अपने वॉशरूम में हैं, इसका भी साइज़ आप देख लीजिए। आप अपने वॉशरूम में हैं, आप अपने वॉशरूम से नहा करके निकल के आए तो आपको डायरेक्टली बेडरूम का एक्सपोजर नहीं होगा। आप निकल के यहाँ पे आए, आप अपने ड्रेसिंग एरिया में आए, आपने अपना ड्रेसिंग का काम किया, कपड़ा वपड़ा पहना, रेडी वेडी हुए एंड ऑल सेट एकदम से रूम से आप पूरा प्रिपेयर होके बाहर आ सकते हो अपने बेडरूम में। बहुत अच्छी स्पेस है हमारे रूम्स की और इसके साथ अटैच्ड बहुत ही सुंदर बालकनी। शाम को तो माहौल है यहाँ पे बैठने का, थक ढूंढ करके जब आप ऑफिस से घर आते हैं ना तो इसी टाइप का एक फीलिंग है जो आपको चाहिए अपने घर में बैठ करके, ये वो आपको देता है पैनोरमा ई होम्स। ये मुझे लगता है ये कॉफी प्लेस हो गया ये। हाँ, कॉफी प्लेस आपने देखा होगा हमारे घर, हमारे ई होम के हर कोने में कॉफी प्लेस है, हर सेक्शन के लिए। अगर आपको पर्सनल चाहिए, अपना अपना मी टाइम चाहिए तो आप अपने यहाँ पे कर सकते हैं। आपको फैमिली के साथ बैठक में बैठना है आप फर्स्ट वहाँ पे बैठ सकते हैं। आपको एकदम नीचे का लिविंग एरिया चाहिए, यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ है। इनफैक्ट आप इस विला का खास बात बताऊँ, इसके नीचे में सर्वेंट रूम भी दिया हुआ। फ्लोर दिखा दिया, फर्स्ट फ्लोर दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आई मीन मैं नहीं, मैम दिखाने वाली है सेकेंड फ्लोर। तो चलिए यहाँ से अगर आप अंदर जाएँ, इधर से आता है हमारा एक ये रूम, इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है। आप अपना वॉशिंग मशीन का काम यहाँ पे कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं कपड़े वपड़े धोने के लिए। हाँ, और ये आपका वॉशरूम है, ये आपका वॉशरूम एरिया है। मैं बोल रहा था कि मैम कि यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, यहाँ की जो ऑटोमेटिक जो लाइट है ये सबसे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो तो ये बाथरूम जाना है, कहीं जाना है, आप अंधेरे में स्विच देख रहा हूँ, स्विच कहाँ है पे नहीं मिल रहा है, वो तो छोटी छोटी चीज है। और सारे ही सेंसर्स दिए हुए जो वॉल पे, इसमें भी ऑप्शन दिया होता है कि आपका परमानेंट लाइट ऑन रहे या फिर लाइट ऑफ हो जाए, क्योंकि ये विला फर्स्ट वाला जो विला है फिंगरप्रिंट है, स्मार्ट है, कुछ भी नहीं। और ये एलेक्सा से भी कनेक्ट हो जाएगा आपके, आप जो अमेजोन का एक डॉट आता है आप कनेक्ट कर सकते हैं पूरे घर को। दूसरा कमरा, ये भी एक और मास्टर बेडरूम है, ये भी एक मास्टर बेडरूम है, ठीक है। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कनेक्टेड बालकनी है, इसके साथ में भी एकदम वैसा ही कनेक्टेड वॉकिंग वार्डरोब है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो बड़े बड़े अलमीराज दिए हुए हैं एंड यहाँ पे वार्डरोब एरिया, यहाँ पे आपका ड्रेसिंग एरिया है। आप अपना नहा धो करके यहाँ पे आए, रेडी हुए एंड डायरेक्टली यू आर रेडी टू गो। ये हुआ हमारा 5 BHK विला का पांचों के पांचों रूम का टूर। ये हमारा फिफ्थ जो सेकेंड फ्लोर है उसका ये टेरेस है, टेरेस का भी आप स्पेस देखोगे ना बहुत ही शानदार बना हुआ। और जो खास बात ये है हमारे ई होम्स के साथ आप जब घर ले रहे हो तो इसमें एक ही चीज़ है कि जो बाहर का विला का लेआउट देख रहे हो ना, आप अपने घर में अंदर में जैसा कंस्ट्रक्शन करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन बाहरी नक्शा जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। बाहरी नक्शा हमेशा सेम रहेगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना एक सोसाइटी में एक घर अलग का अलग डिज़ाइन का हो गया और बाकी अलग, तो वैसे में मज़ा नहीं आता, पूरा लुक गिर जाता है, ख़राब हो जाता है एक सोसाइटी का। ये 5 BHK का जो विला है इसमें आप ध्यान से देखिएगा उधर में उन्होंने लिफ्ट लगाया है,
लिफ्ट की सुविधा दी हुई है। तो ये जो प्राइवेट विला है आपका अपना, आप इसमें लिफ्ट भी चाहें तो लगवा सकते हैं। वो आप कंपनी को बोल देंगे, उसका अपना लिफ्ट का एक अलग चार्ज होता है, वो आप अपना इंक्लूड करके अपना रूम अपने विला में एक लिफ्ट लगवा सकते हैं। थैंक यू। तो अलीसा जी ने भी अभी आपको 5 BHK विला दिखाया, तो और भी कुछ विले अभी बचे हुए हैं, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं अब 3 BHK विला। तो जैसे मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे ना लाइट जल जाती है, देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे मैं इंटर किया तो यहाँ पे लाइट जल गई। इसमें भी अगेन सारा ही सिक्योरिटी लॉक है, और आप आई थिंक इसको लॉक कर दिया गया है, ये लॉकड है। ये हमारा 3 BHK विला है, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। उसमें पूजा का काम चल रहा है, इसको एकदम सजाया गया है बहुत सुंदर तरीके से। वही आप सामने में जो देख पा रहे हैं, वॉर्म लाइट लगा हुआ, दिस इज़ द हाउस। इसमें लोगों ने रहना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, और इसमें पूजा का काम चल रहा है। इसमें भी बहुत कुछ दिन, कल इसका शायद कल या परसों गृह प्रवेश है। तो ये हमारा 3 BHK विला है, ये भी बहुत ही सुंदर और स्पेशियस विला है। नीचे में भी आप डोर्स देखिएगा, लॉक्स देखिएगा। इसमें इनके इस 3 BHK विला का जो खास बात है ना, वो ये है कि इसके साथ में ना आपको एक अटैच्ड स्टोर रूम मिलता है इसके किचन में, और बाकी इसके भी रूम्स का साइज बहुत सुंदर है। बट देखिए लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, आप जहाँ भी जाएंगे सारी जगह सेंसर्स का काम चल रहा है ऑलरेडी। तो ये 3 BHK विला है, और विला का लेआउट ऐसा होता है। देखने के लिए, क्योंकि ये ई-होम्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर पूरी रात भी हो जाए तो भी ये ख़त्म नहीं होगा दिखाना। इसमें बहुत कुछ है दिखाने के लिए। हमारे पास अभी 3+1 BHK का डुप्लेक्स है, 4 BHK डुप्लेक्स है। बट पब्लिक देख रही है इस वीडियो को, तो उसके लिए आपके तरफ से क्या मैसेज है? हमारी तरफ से यही मैसेज है कि अगर आप एक अपना घर बनाने का सोच रहे हैं ज़मीन सहित, और आपको सेफ्टी सिक्योरिटी अमेनिटीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, और आप चाहते कि एक बिहार में रह के एक घर बनाओ, सबसे बड़ी बात क्या ना, बिहार में आप अगर एक घर बना रहे हैं, बिहार क्या आई थिंक ये पूरे इंडिया में है, बहुत बार हमारे मन में होता है कि बहुत दिन तक उसको ताला मार के नहीं जा सकते किसी शादी फंक्शन में। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है मेरे घर में, तो मतलब हम लोग तो पर्सनली ऐसा देख मैंने देखा है अभी तक कि लोग घर में किसी ना किसी एक को छोड़ के जाते हैं। पूरा बंद करके जाने में भी घर को डर लगता है। एक यहाँ पे छोटी सी बात कर रही हूँ मैं, चोरी वगैरह का एक फैक्टर होता है जिसका एक डर होता है। अब सोसाइटीज़ को लोग समझने लगे, अपार्टमेंट्स में रहने लगे। अगर आप अपार्टमेंट्स की चॉइसेस में हो तो, और अगर आपको एक सोसाइटी का सेफ्टी चाहिए लेकिन आपको ज़मीन सहित अपना घर चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि ई होम से अच्छा कोई ऑप्शन मतलब है अभी हमारे इस पूर्णिया में, और बिहार में तो नहीं है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक अच्छी सोसाइटी है, लग्जरी है, क्लास है, कम्प्लीटली स्मार्ट होम है। अपनी अभी की जो अभी जो एरा चल रही है, जो जेन जी जनरेशन अभी चल रही है, उनके लिए ये बहुत ही स्मार्ट है, अल्ट्रा स्मार्ट होम है ये, और सारी अमेनिटीज़ हैं हमारे पास में। सेफ्टी सिक्योरिटी, अपने घर को आप बंद करके एक साल के लिए भी कहीं चले जाओ, सबसे बड़ी सोसाइटी में कोई डर नहीं होता। तो अगर आप घर लेने का सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो प्राइस एक बात का फैक्टर होता है, पहले दिखना और पसंद आना ज़रूरी है। तो वीडियोस में मुझे नहीं लगता कि आपको 20% भी वो खूबसूरती का फीलिंग आया होगा जो आप जो आंख सामने से एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो कर पा रहे होगे। तो एक बार ही हमारा मेरा सिर्फ आपसे एक मैसेज है कि पनोरमा की तरफ से एक मैसेज है कि आप एक बार पनोरमा ई होम्स आइए, एक बार विजिट कीजिए, हमारे साथ शाम में आइए, चाय पीजिए, थोड़ा बैठिए, फील कीजिए यहाँ के माहौल को, और फिर अगर प्लानिंग करते हैं, मन बनता है, तो यू कैन गिव इट अ शॉट। थैंक यू सो मच मैम, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो थैंक यू सो मच मैम। अगर लोग अगर चाहेंगे तो मैं फिर से एक बार ब्लॉग बनवाऊंगा जरूर। मैं बिल्कुल, मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो अच्छा लगेगा हमें कोलैबोरेशन करके। अगर आपके लिए पॉसिबल होगा तो मेरे चैनल को आप अपने टाइटल में जरूर टैग कीजिएगा, ताकि लोग पनोरमा के और अपडेट्स अगर देखना चाहते हैं
तो मेरे चैनल के थ्रू भी आप देख सकते हैं। मेरा जो चैनल का नाम है अलीशा सूद, नाम है ALISHA SOOD, अलीशा सूद, आप एक बार चेकआउट करते रहिएगा। मैं छोटे छोटे रील्स मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे पैनोरमा ई होम्स की डालते रहती हूँ, तो आपको अपडेट मिलती रहेंगी। शेयर जरूर करिए लोगों को, बिल्कुल शेयर कीजिए, और इनके चैनल को, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये। बहुत अच्छा लगा देखे कि पूर्णिया में सिर्फ ई होम्स जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं, ऐसे लोग ग्रो कर रहे हैं, चैनल यूट्यूब बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप कटिहार से यहाँ आए हो इस चीज़ के, इस चीज़ को देखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, तो इनके मेहनत को आप लोग बिल्कुल देखें, तो अप्रिशिएट कीजिए। एक बार भी इनकी वीडियो को आप शेयर कीजिएगा किसी एक दो फ्रेंड से भी, तो इनके लिए हेल्पफुल है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल, एंड या थैंक यू सो मच, बाय गाइस। आपने जो ये पूरा ई होम देखा, और ये तो इनकी जो CMD हैं, तो ये संजीव सर हैं। हेलो संजीव, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार। कुछ बताएं आप अपने बारे में और ई होम के बारे में। ई होम आप, मैं बताऊं कि कोसी सीमांचल का आप लोगों का एक प्राइड है, और हमारी कोशिश है कि हम कोसी सीमांचल में कुछ ऐसा करें रियल एस्टेट में कि क्रांति लाएं। लोगों को दिमाग में जो परसेप्शन था कि नहीं बिहार में बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं आ सकता है, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ सकता है, उसी के प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ कि ये परसेप्शन को मैं लोगों का दिमाग से निकाल दूँ कि रियल एस्टेट में हम बिहार में भी कुछ कर सकते हैं, और यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी बायर्स हैं जो चाहते हैं कि हमको अच्छा सोसाइटी मिले, टाउनशिप मिले, जहाँ इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ हो। चूँकि लोग बाहर जाते हैं, देखते हैं, तो वो कल्पना करते हैं कि काश हमारे शहर में भी कुछ ऐसा होता। तो लोगों के कहने पर भी मैंने, हमको भी शुरू शुरू में लग रहा था कि पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, लेकिन लोगों का बहुत अपार समर्थन मिला, सहयोग मिला, जिसके वजह से आज देख पा रहे हैं कि आपका ई होम्स बन करके तैयार है। लोग अभी आना शुरू कर दिए हैं, गृह प्रवेश स्टार्ट हो गया है जी जी। और अभी बहुत बड़ा है, चूँकि कई फेज में बन रहा है, ये पहला फेज हमारा बन के तैयार हो गया है जी जी। और मुझे लग रहा है कि दो महीने के अंदर में लगभग 100 फैमिलीज इन कर जाएगी। अभी स्टार्ट हो गया आना लोगों का, और हमारा भी इसी में घर है, अपना आशियाना हम बनाए ई होम्स में, और हम चाह रहे हैं कि ये कोसी सीमांचल में तो नाम करे, लेकिन हमारी कोशिश है बिहार में एक अपना अलग पहचान बनाए। थैंक यू सर।